हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे सेकेंड ईयर फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 13 है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में से वो कंसेप्ट वाले एमसीक्यूज जो पंजाब के बोर्ड्स पिक करता है बोर्ड एग्जाम के लिए, और जो जिनके अंदर कंसेप्ट यूज होता है, हम उन्हें गो थ्रू करेंगे। और इसके अंदर मोस्ट रिपीटिंग एमसीक्यूज मैं ले रहा हूँ, जो बहुत बार रिपीट हुआ और जो कंसेप्ट के लिहाज से रिपीट हुए हैं। ठीक है, ये 12 एमसीक्यूज है। लाइक प्रीवियस वीडियो जो हमने चैप्टर 12 की पोस्ट की थी, उसके इधर आपकी साइड पे एमसीक्यूज पूरा डिस्प्ले होता है और इधर मैं फिर उसका सोल्यूशन एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, वैसे ही अब हम इस चैप्टर 13 का पहला एमसीक्यूज पढ़ते हैं। ठीक है, इधर लिख लेते हैं ऑल पंजाब बोर्ड्स। ठीक है, सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एमसीक्यूज। ठीक है जी, अच्छा सबसे पहला एमसीक्यूज मैं इधर रीड करता हूँ। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम हैव द फोर्थ बैंड ऑफ सिल्वर कलर, देन इट्स अपर मैक्सिमम रेजिस्टेंस विल बी। ठीक है, वो कहता है कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कितनी है। रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास वो दे रहा है आर की 500 ओम। ठीक है, प्लस माइनस वो क्या होता है, इसके साथ सिल्वर लगा हुआ है। आपको पता है जो सिल्वर बैंड है उसकी कितनी होती है, 10%। गोल्ड की कितनी होती है, 5%। और हमारे पास सिल्वर और अगर नो बैंड यानी कि लास्ट बैंड ना हो तो कितनी होती है, 20%। लेकिन हमारे पास एमसीक्यूज में उसने कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है, सिल्वर। तो वो कहता है सिल्वर बैंड है, देन इट्स अपर मैक्सिमम रेजिस्टेंस। जो अपर रेजिस्टेंस, अब आपको पता है कि इसके साथ 10% लगा हुआ है क्योंकि उसने कहा कि इसके साथ सिल्वर है। अपर क्या होती है, आपको पता है कि इस रेजिस्टेंस की रेंज होती है। जैसे कि अगर कोई 10 है तो हम कहेंगे भी इसकी लेट्स सपोज 5 से लेकर 10 के दरमियान में है। ठीक है, ये लोअर रेंज है, ये अपर रेंज है। अब हमने बताना है कि इसकी अपर रेंज क्या होगी, तो हम इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे, 10% निकालेंगे। तो 10 / 100 × 500, दी आंसर विल बी 50। इसका मतलब है कि ये 10% कितना है, 50। तो R की वैल्यू अब क्या बनेगी, 500 प्लस माइनस 50। एक बार इस 50 को इसमें से माइनस कर देंगे और एक बार प्लस कर देंगे। माइनस करेंगे तो आएगा 450 और प्लस करेंगे तो आएगा 550। इसका मतलब है कि इसकी जो लोअर रेंज है और अपर रेंज दोनों आ गई हैं। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, अपर मैक्सिमम रेजिस्टेंस। तो ये इसकी मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितनी हो गई भाई, 550। इसका मतलब है ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये था आपका पहला एमसीक्यूज। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 2 देखते हैं। इसी तरह वो आपसे गोल्ड के लिहाज में भी पूछ सकता है, फिर आप गोल्ड के लिहाज से इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालोगे, या नो बैंड 20% उस लिहाज से पूछ सकता है, किसी भी लिहाज से पूछ सकता है। तो ये एमसीक्यूज एक है, इसके जो शक्लें हैं वो मुख्तलिफ बन सकती हैं। ठीक है जी, सेकेंड एमसीक्यूज है जी, हीट जनरेटेड बाई अ 40 वाट बल्ब इन 1 आवर। एक आवर के अंदर 40 वाट बल्ब ने जो हीट जनरेट की वो आपने बतानी है जी। तो डाटा लिख लेते हैं, पावर कितनी है जी इसके पास, 40 वाट, और टाइम कितना है जी, 1 आवर। लेकिन हमें पता है कि हमें टाइम चाहिए होता है सेकंड में, तो एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं जी, 3600 सेकंड। तो आपने बताना है हीट, हीट का मतलब आपको पता है वर्क, वर्क का मतलब एनर्जी, और कौन सी एनर्जी, आप इसकी जगह एच भी लिख सकते हो। ठीक है, वैसे तो आपके पास फार्मूला है पावर वाला, W = P×T, लेकिन अक्सर आपने ये जूल्स हीटिंग इफेक्ट जो हमने पढ़ा था वो उधर से H = क्या है, I²R×T। तो I²R किसके बराबर होता है, ये अगेन P के बराबर होता है × T। P कितना है, 40, ये कितना है, 3600। तो आंसर क्या बनेगा, कैलकुलेटर पर जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14400 जूल्स, तो ये आंसर बनेगा। तो फिर कौन सा हुआ करेक्ट ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन बी। ठीक है, अच्छा एमसीक्यूज नंबर 3। तो इसमें वो हेरा फेरी कर सकता है, वो पावर को कम ज़्यादा कर सकता है, एग्जैक्टली एमसीक्यूज नहीं आएगा, वो हेरा फेरी कर सकता है, अभी पावर कम ज़्यादा कर दी, टाइम कम ज़्यादा कर दिया, तो इसलिए आज से वो आपसे पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है कि भाई इतनी हीट जनरेट हो रही है
इतनी पावर का बल्ब है तो इसका बताओ कितनी देर वो जला, तो फिर आप टाइम भी इधर से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो ये आपके पास एक वायर है इतनी बड़ी, आपने इसे सेंटर से काट दिया, इसकी रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, आपने इसे सेंटर से काट दिया, एक ये रहा टुकड़ा, एक ये रहा टुकड़ा, इसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी आर बाई टू, इसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी आर बाई टू। ठीक है, तो दोनों की आर बाई टू, व्हाट हैपन टू इट्स रेजिस्टिविटी, तो उसकी रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, यानी कि रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अगर आप रेजिस्टिविटी का फार्मूला देखें तो रेजिस्टिविटी के फार्मूले के अंदर हमारे पास जो चीज़ है वो ये जो रेजिस्टिविटी थी असल में क्या थी, एक ही मटीरियल की चीज़ है तो आर ए ओवर एल। तो अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई आर चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है, लेंथ चेंज हो रही है, तो आप देखेंगे अगर आर वन बाई टू हो रहा है, आर बाई टू हो रहा है, तो जो लेंथ है वो भी तो इसकी हाफ हो रही है, ये इससे कट जाएगा, तो आर रो की वैल्यू बार बार क्या आएगी, सेम। यानी कि रो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ये मटेरियल पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे। इसका मतलब है कि ये जो रेजिस्टिविटी है ये उस मटेरियल की चेंज नहीं होगी, तो इसका मतलब है कि इधर ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी, रिमेंस सेम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए जी ऑप्शन नंबर एमसीक्यू नंबर फोर पे। एमसीक्यू नंबर फोर में कहता है सर्टन वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ आर, द रेजिस्टिविटी ऑफ एन आइडेंटिकल वायर विद द फर्स्ट एक्सेप्ट फॉर ट्वाइस इट्स डायमीटर इज। देखें ये क्वेश्चन नंबर थ्री, जो एमसीक्यू नंबर थ्री है इसे बिल्कुल मिलता जुलता है। वो कहता है कि सर्टन वायर, कोई भी वायर है उसकी रेजिस्टेंस है जी आर, रेजिस्टेंस आ गई जी आपके पास आर। अच्छा, आगे द रेजिस्टिविटी ऑफ एन आइडेंटिकल मटीरियल, कोई और मटीरियल है, सॉरी मटीरियल वही है उसकी रेजिस्टिविटी, लेकिन क्या फ़र्क है कि जो उसका डायमीटर है वो थोड़ा सा बड़ा, अगर ये तार ये है और वो तार ये है, मतलब दोनों का मटेरियल क्या है सेम, सपोज हम कर लेते हैं दोनों का मटेरियल क्या है कॉपर, क्या लेते हैं दोनों कॉपर की बनी हुई है, तो अब आपने बताना है कि इनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी। अब वो चार ऑप्शन दे रहा है, इधर मैं ऑप्शन भी लिखता हूँ इस एमसीक्यूज के साथ, वन बाई फोर इंटू आर, नेक्स्ट है जी ऑप्शन बी फोर आर, ऑप्शन सी टू आर, और ऑप्शन डी सेम एज आर। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, तो अभी मैंने बताया कि आप चाहे एरिया कम ज़्यादा करें चाहे लेंथ कम ज़्यादा करें रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब है कि रेजिस्टिविटी वही रहेगी जो पहली तार की थी, पहली तार का नाम है हमने इधर आर लिया हुआ, तो फिर हम कहेंगे ऑप्शन क्या बनेगा सेम एज आर, कि जो आर वाली तार की रेजिस्टिविटी है वही इस मोटे डायमीटर वाली तार की भी रहेगी, यानी कि रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए एमसीक्यूज नंबर फाइव पे। अच्छा, किरचॉफ फर्स्ट रूल इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी चार्ज एंड मोमेंटम। तो किरचॉफ का पहला रूल है, पहला रूल क्या है किरचॉफ का, वो कहता है भाई इधर से करंट आया, इधर से करंट आया, इस पॉइंट पे इकट्ठे हुए, उसके बाद ये करंट इधर निकल गया, ये करंट इधर निकल गया, इसका नाम आई वन, इसका नाम आई टू, इसका नाम आई थ्री, इसका नाम आई फोर। तो ये कह रहा था कि भाई आई वन जमा आई टू इज इक्वल टू आई थ्री प्लस आई फोर, तो इस पॉइंट पी के ऊपर जो नेट चार्ज एक्युमुलेशन है वो जीरो है, यानी कि करंट क्या होता है आई बराबर होता है क्यू बाई टी। इसका मतलब है टी तो एक चीज़ है हमारे पास, लेकिन जो चीज़ करंट बन रहा है वो क्यू से बन रहा है, टाइम तो होता है ना क्यू से बन रहा है, तो इसका मतलब है कि जितना क्यू इधर बहकर आया उतना ही क्यू आगे निकल गया, यूं आया यूं चला गया, तो नेट इधर एक्युमुलेशन जो चार्ज की एक्स्ट्रा या कमी या ज्यादती आई वो नहीं आई, जितना चार्ज है उतना चला गया, जिसका मतलब है कि जो फर्स्ट लॉ है वो किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। ठीक है जी, ये था एमसीक्यूज नंबर फाइव। अच्छा, इससे मिलता जुलता एक और एमसीक्यूज भी आता है, वो कहता है जो किरचॉफ का सेकंड रूल है वो किस चीज़ पे बेस्ड है, तो सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल के अंदर आप कहते हो कि जी सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस, ठीक है, इन अ क्लोज लूप v इज इक्वल टू जीरो। अब v क्या होता है, v होता है w बाई क्यू, तो ये जो q है ये तो वैसे ही कांस्टेंट आ रहा है चार्ज के मुताबिक, लेकिन जो w है, w क्या चीज़ होती है आपके पास, e एनर्जी, तो जितनी एनर्जी ली उतनी ही सब जगह ज़ाया करने के बाद वापस उसकी नेट चेंज एनर्जी में कितना आता है जीरो, गेन की बाकी सारी लॉस की नेट चेंज जीरो। इसका मतलब है कि जो सेकंड रूल है वो बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ठीक है जी, ये था एमसीक्यूज नंबर फाइव। एमसीक्यूज नंबर सिक्स देखें जी,
अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड लेंथ एल इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट, द रेजिस्टिविटी ऑफ ईच पार्ट इज हाफ, डबल रिमेन सेम, इंक्रीज थ्री टाइम। तो अभी इससे मिलता जुलता एमसीक्यूज मैंने आपको दो करवा दिया, और ये भी वही है, वो कहता है कि एक वायर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है ए और लेंथ कितनी है एल। आपने उसे दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, एल बाई टू और एल बाई टू। तो आपने बताना है कि उसकी रेजिस्टिविटी में क्या फ़र्क आया होगा। तो भाई अगर मटेरियल को जैसे मर्जी काटो, लेंथ काटो, एरिया काटो, शाटो, ज़्यादा करो, कम करो, उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी, जिसका नाम हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रखा ही इसलिए है क्योंकि वो लेंथ और एरिया पर डिपेंड कर ही नहीं रही, तो वो क्या रहेगी सेम। तो यही आपके क्वेश्चन नंबर टू भी है आपके इधर बुक का ही एक्सरसाइज का, कि डू बेंड्स इन अ वायर अफेक्ट्स इट्स जो जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, तो वो तो करते ही नहीं है ना, क्योंकि ना तो लेंथ चेंज हो रही है ना एरिया चेंज हो रहा है। इधर क्या है कि अगर लेंथ चेंज हो रही है, एरिया चेंज हो रहा है, तो रेजिस्टेंस भी इफेक्ट हो रही है बट रेजिस्टिविटी इफेक्ट नहीं हो रही। तो इसका फिर ऑप्शन कौन सा बनेगा, रिमेन सेम, ऑप्शन सी। अच्छा सेवन देखें जी एमसीक्यूज नंबर, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज मेजर्ड इन, टेम्परेचर कोफिशिएंट आपने निकाल के देना है रेजिस्टिविटी का, वो किस में मेजर होता है। एमसीक्यूज नंबर सेवन, टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो अगर आप टेम्परेचर कोफिशिएंट को लिखें तो वो था अल्फा इज इक्वल टू रो टी माइनस रो नॉट इनटू डेल टी। तो अगर आप ऊपर देखें तो ओहम सॉरी हमारे पास ये रेजिस्टिविटी है, तो क्या बनेगा ओहम मीटर, ओहम मीटर में से ओहम मीटर गया तो ओहम मीटर आएगा, नीचे क्या आएगा ओहम मीटर, इधर क्या आएगा केल्विन, ये इससे घट गया, तो 1/k और 1/k को k की पावर माइनस वन। तो इसका मतलब है कि जो अल्फा है उसके फिर यूनिट क्या बनेंगे, मेजर किस में की जाती है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या है, पर केल्विन। तो पर केल्विन में के कितने केल्विन के लिहाज से उसकी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी चेंज हो रही है, तो दिस इज द यूनिट ऑफ अल्फा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, और एमसीक्यू नंबर 8 देखें जी, द करंट थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस अ सोर्स ऑफ 220 इज, वो कहता है कि आपने करंट फाइंड करना है कि जिसको आपने कनेक्ट किया है एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कितनी है 100 ओम और पोटेंशियल कितना है 220 वोल्ट। तो आप बताएं कि भाई इसके अंदर जो करंट है वो कितना होगा, तो इसकी सिंपल मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए, ओम्स लॉ से सॉल्व होगा, वी इज इक्वल टू आई आर। तो आई किसके बराबर आ जाएगा, वी बाई आर, V कितना है 220 100, इससे कट गया तो कितना आएगा 2.2 एम्पीयर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल टाइप आपको एमसीक्यूज दिया गया। अच्छा नेक्स्ट है जी एमसीक्यूज नंबर 9। अच्छा एमसीक्यूज नंबर 9 बड़ा मज़े का है, अक्सर बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। एमसीक्यूज 9 कहता है एन आइडियल करंट सोर्स शैल हैव रेजिस्टेंस जीरो फिनिट बट नॉन जीरो इनफिनिट और डिपेंड्स अपॉन रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो आइडियल करंट सोर्स की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए, जीरो इन्फिनिट होनी चाहिए। ठीक है, और आइडियल वोल्टेज सोर्स की कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। अब मैं आपको दोनों बनाकर दिखाता हूँ। ठीक है, इधर बनाते हैं जी करंट सोर्स। ठीक है, तो जब आप करंट सोर्स की बात करते हो तो सर्किट को आप लगाओगे पैरेलल। ठीक है, तो ये सर्किट है, इसके अंदर एक इधर 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 रेजिस्टेंस है, इसको आप इन्फिनिटी करो। अगर आप इसे इन्फिनिटी नहीं करते तो कुछ ना कुछ इधर से करंट आएगा और वोल्टेज ड्रॉप इधर आ जाएगा। ये सिस्टम के अंदर की बात है, यानी कि ये आप ऐसे कह लो कि बैटरी के अंदर का सारा सामान है, ये तो आपके पास है ना बैटरी। ठीक है, तो ये बाहर वाले सर्किट को दो तारें जा रही हैं और ये अंदर, तो अगर ये इन्फिनिट नहीं होगी तो कुछ ना कुछ करंट ड्रॉप होगा, इधर ड्रॉप यानी कि अंदर जाएगा और उसी वजह से वी इक्वल टू आई आर से पोटेंशियल ड्रॉप इधर आ जाएगा। तो यह है करंट सोर्स पैरेलल में। ठीक है, और जब हम बात करते हैं किसकी, वोल्टेज सोर्स की, तो वोल्टेज सोर्स के मुताबिक हमारे पास सीन कुछ यूँ होता है कि ये बैटरी है, इसके साथ ये रेजिस्टेंस लगी होती है छोटी सी जिसका नाम है इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस सेंस में हमने आर कितना रखना होता है, इस सेंस में आर हम रखते हैं जीरो, ताकि इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज ड्रॉप ना हो। तो जब हम वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है अंदर वाली वो कितनी हो,
सोर्स के अंदर वाली रेजिस्टेंस कितनी हो जाए, इधर जीरो हो जाए, और जब हम करंट सोर्स की बात करते हैं तो इन्फिनिटी, ताकि मैक्सिमम करंट बाहर जाए ना के अंदर आए। ठीक है, ये एमसीक्यूज नंबर 9 था, तो इसका ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन सी। अच्छा, नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 10। एमसीक्यूज नंबर 10 में देखें जी क्या कहते हैं, वो कहता है दी वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन 1.0×10⁷ इलेक्ट्रॉन इज, ठीक है, तो n की वैल्यू उसने दिया 1.0×10⁷ इलेक्ट्रॉन, तो आपने q फाइंड करके देना है, वाइल वी नो डैट इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6×10⁻¹⁹ कूलम, तो आपने बताना है कि इन सब पे इतने इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज है, एक पे इतना है तो इतने पे कितना होगा, तो q इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, एन ई, तो 1×10⁻¹⁹ × 10⁻¹⁹ तो आ जाएगा 1×6×10⁷, इसमें से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा −12 कूलम, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा जी इधर, ऑप्शन ए 1.6×10⁻¹². ठीक है, तो ये था एमसीक्यूज नंबर 10। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 11। फॉर एन ओपन सर्किट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी टी इज, ओपन सर्किट के लिए टर्मिनल पोटेंशियल किसके बराबर होगा, वी टी इज इक्वल टू 2 EMF, वी टी इज इक्वल टू EMF, वी टी इज ग्रेटर देन EMF, वी टी लेस देन EMF। ठीक है, तो ये आपने बताना है, तो हमें पता है कि जो हमारे पास इक्वेशन है वो है इज इक्वल टू वी टी प्लस आई आर। ठीक है, तो अब वो कहता है कि यार लेट सपोज ये आपके पास ये बैटरी का सोर्स है, ठीक है, और ये इधर सर्किट को करंट दे रहा है, एम्पीयर मीटर लगा हुआ है, इधर लेट सपोज आपकी कोई हैवी रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो इसमें से करंट इधर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो जब इधर करंट जा रहा होगा तो सर्किट में जो वी टी होगा वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा ई एम एफ माइनस आई इंटू आर, यानी कि ई एम एफ से कुछ माइनस हो रहा है तो वी टी लेस देन ई एम एफ बनेगा। ठीक है, लेकिन अब वो कहता है सर्किट ओपन है, ओपन सर्किट कैसा होता है, जिसके अंदर स्विच खुला हो, यानी कि सर्किट कंप्लीट ना हो, तो अगर सर्किट कंप्लीट नहीं है तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, तो अगर आप इस इक्वेशन में जीरो पुट करें तो वी टी विल बी इज इक्वल टू ई एम एफ, तो कौन सा ऑप्शन इधर फिर बनेगा, ऑप्शन बी, वी टी इज इक्वल टू ई एम एफ, और अगर क्लोज सर्किट की बात करेगा तो वी टी लेस देन ई एम एफ। ठीक है, तो ये दोनों किस्म से एमसीक्यूज आप देख सकते हो। लास्ट है जी आपके पास इधर 12, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द हेड एंड द टेल ऑफ एन इलेक्ट्रिक ईल कैन बी अप टू, ठीक है, तो इसका सिंपल सा जवाब बनता है, ऐसे ही ले लिया 600 वोल्ट, तो ये आपकी बुक के राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे वो जो फॉर योर इन्फॉर्मेशन टिडबिट्स होते हैं ना, उसके अंदर लिखा होगा, जो एक हमारे पास एक फिश कह लो आप, उस फिश के हेड और टेल, जब उसे खतरा लगता है ना तो अपने हेड और टेल के दरमियान में पोटेंशियल का डिफरेंस बना लेती है, डिफरेंस बनाती है पोटेंशियल का, तो जैसे कोई चीज़ उसके करीब आएगी, उसे हाथ लगाएगी तो वो क्लोज सर्किट बनाएगी, जैसे क्लोज सर्किट बनाएगी तो उसके अंदर से एक हाई पोटेंशियल की वजह से करंट फ्लो करेगा और उसे शॉक लगेगा, जैसे शॉक फिश जो हमारी होती है, तो उसके दरमियान में जो अप टू वो कितना बना सकती है अपनी हेड और टेल के दरमियान में 600 वोल्ट। ठीक है जी, ये थे आपके चैप्टर नंबर 13 के मोस्ट रिपीटिंग एमसीक्यूज, इससे रिलेटेड अगर कोई एमसीक्यूज आपको लगता है या आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट में बताएं, हम उसको जो रिजॉल्व करने की फुल कोशिश करेंगे। थैंक यू।